नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी के लिए हमारे यहाँ पे हिंदी व्याकरण का एक कोर्स चल रहा है और आज हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण में चर्चा करने वाले हैं संधि के बारे में। संधि के बारे में दोस्तों यहाँ पे दो लेक्चर में इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, इसमें हम आज स्वर संधि के बारे में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं और इस लेक्चर के माध्यम से दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, एक शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप स्वर संधि को बड़ी ही आसानी से पहचान पाओगे और एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न बन जाए स्वर संधि को लेकर, वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 7, उसमें मैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में डिटेल्स में कराऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर और इसके नोट्स। स्वर संधि और अब तक जितने भी टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट, सभी के नोट्स दोस्तों हिंदी व्याकरण के संपूर्ण नोट्स उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी के लिए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएंगे हिंदी व्याकरण के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि 100 नंबर के आपकी हिंदी आने वाली है जो कि अच्छा एक महत्वपूर्ण स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है इसमें। तो उस ई बुक में आपको प्रत्येक टॉपिक के नोट्स और डिटेल्स में MCQ भी देखने को मिल जाएंगे, तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, तो सबसे पहले संधि क्या है ये आपको समझना है। संधि, संधि की परिभाषा है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संधि। तो संधि क्या है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि, शब्दों के मेल को नहीं। यहां पर आपको पॉइंट समझना है, वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि। अब ये वर्णों का मेल कैसे होगा, तो वर्ण विचार मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिए थे वर्ण क्या होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे देखो यहाँ पे दयानंद, तो दयानंद जो मिलकर बना है वो मिला है दयाधन आनंद। अब यहाँ पे आप सोचोगे ये तो दो शब्दों का मेल है, लेकिन यहाँ पे शब्दों का मेल नहीं है बल्कि वर्णों का मेल हो रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे दया कैसे बना है, दा धन या धन आ, दया धन आनंद, देखो यहाँ पे ये आ और फिर है नंद, ये नंद भी अलग अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे जहां पे मेल हो रहा है, जिनका मेल हो रहा है यहाँ पे, इनका मेल हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो या है ये बना है या धन आ से और यहाँ पे आ है, तो देखो ये दो वर्ण है आ और आ, और इन दोनों का यहाँ पे मेल हो रहा है और यहाँ पे बन रहा है बड़ा आ, और तभी बन जाएगा दा धन या धन आ धन नंद दयानंद। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्णों का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। उसी प्रकार से परीक्षा धन अर्थी, तो परीक्षा का इस छा में क्या है, ये छा है इसका, ये इस प्रकार से ये बना है और अर्थी, अर्थी का आ, तो आ और आ मिला के बड़ा आ बना, तो छा में लग गया बड़ा आ परीक्षार्थी। उसी प्रकार अविष्ट में देखो अनु, तो अनु का उ, नु का उ, धन ई, तो ऊ धन ई से यहाँ पे क्या बन गया, अवि बन गया, अवि अविष्ट, अनुधन इष्ट से बन गया अविष्ट। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो संधि है वो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, दो समीपवर्ती वर्ण जब मिलते हैं तो एक परिवर्तन उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हम अभी आगे करने वाले हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में इस लेक्चर में हम यहां पे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर संधि में हमेशा मेल किसका होगा, दो स्वरों का होगा। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से स्वर हैं, कितने प्रकार के स्वर हैं, ये मैं आपको इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में पहले ही बता चुका हूं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो स्वर संधि जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, यानी स्वर संधि में क्या होगा, मेल से केवल किसका होगा, स्वरों का मेल होगा। तो जहां पे आपको स्वरों का मेल देखने को मिल जाएगा वहां पे होगी स्वर संधि। देखो यहां पे एग्जांपल, सूर्य धन अस्त, तो सूर्य में या में क्या है, छोटा आ है, सूर्य धन यहां पर छोटा आ है, ठीक है, धन यहां पर अस्त है, तो यह बनेगा आपका सूर्यास्त। उसी प्रकार सदैव धन, सदैव जो मिलकर बना है वो सद धन ए, उसे सद का आ और इसका ए, तो आ धन ए,
ये जो संधि हो रही है यहाँ पे वो आधन ए में हो रही है, तो दो वर्णों में यहाँ पे, और कौन से वर्ण कौन से है वो स्वर हैं, दो स्वरों में यहाँ पे संधि हो रही है तब जाके ये अ बन रहा है। उसी प्रकार नव धन आगत, तो नव में नव किस प्रकार से बना है, ना धन वा धन आ, मैं यहाँ पे सिर्फ वा का विच्छेद बता रहा हूँ, ठीक है, वा का विच्छेद इस प्रकार से है, और इसके साथ क्या जुड़ रहा है, आगत जुड़ रहा है, आगत, तो ये आ और ये बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा आ ही मिलकर बनेगा, आधन बड़ा आ क्या होता है, आ होता है, तो ये बन जाएगा आपका ना वा धन आ धन गत, टोटल क्या बन जाएगा, नवागत। तो इस प्रकार से सिंपल चीजें समझने के लिए कोई यहां पे कठिन नहीं है। परमेश्वर में परम धन ईश्वर, आधन ई मिल रहा है तो ये क्या बना रहा है, ए बना रहा है। उसी प्रकार सप्तऋषि में सप्तर्षि बन रहा है। अब हम यहां पे जो ये स्वर संधि है, स्वर संधि के भी यहां पे क्या है, पांच भेद हैं। कौन कौन से हैं वो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन पांचों की पहचान कैसे करनी है। स्वर संधि में जो मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे वो इसी प्रकार के बनेंगे, कोई आपको एग्जाम्पल दे देगा, आपको दे देगा सदैव में इनमें से कौन सी संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है या अयाद है, या परमेश्वर में कौन सी संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या अयाद संधि है। तो इन पांचों संधि की पहचान कैसे करनी है ये मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। देखो जो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो जहां पर बड़ा होगा, लेकिन वो बड़ा क्या, बड़ा होना चाहिए आ ई और उ। तो यहां पे देखो जब हस्व स्वर यानी आ ई उ, हस्व स्वर कौन होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है, या दीर्घ स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है आ ई उ, ये ऊपर की श्रेणी की है, ठीक है। दीर्घ संधि सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले आपको दीर्घ संधि में जो ऊपर की श्रेणी के जो स्वर है वो इससे संबंध है, आ आ ई ई उ और उ, इनका संबंध है दीर्घ संधि से, ठीक है। तो जब हस्व स्वर यानी आ ई उ और दीर्घ स्वर आ ई उ के बाद क्रमशः हस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं, आ ई उ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जब आ के साथ छोटे आ यानी हस्व स्वर आ और बड़े आ यानी दीर्घ आ का मेल होता है, तो वो हमेशा दीर्घ ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा गया है। अंत में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, दीर्घ बनेगा, इसलिए इसका नाम है दीर्घ। छोटी ई के साथ अगर ई मिले या बड़ी ई मिले तो वो बड़ी ई ही बनेगी, या आपका बड़ी ई के साथ छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले वो भी बड़ी ई ही बनेगी। उसी प्रकार से छोटे ऊ के साथ या बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले तो वो हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। लेकिन इसकी पहचान कैसे करनी है, तो जब भी आपको शब्दों में ये मात्राएं देखने को मिलेंगी, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा कौन सी, आ की बड़ी मात्रा, ई की बड़ी मात्रा और ऊ की बड़ी मात्रा, तो वहां पे अधिकांशतः क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। आप देखो एग्जाम्पल से आप यहां पे समझ जाओगे, ये यहां पे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल। मतानुसार, देखो मतानुसार में भी ता यहां पे बड़ा है, बड़ा आ यहां पे, परमार्थ मतलब जहां से उसका क्या होगा, डिवाइड होगा, जहां से वो क्या होगा, विच्छेद होगा, वहां पर जो मात्रा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या तो बड़ा आ की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, या बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। देखो परमार्थ, परम धन अर्थ, तो मां से टोटल, तो वहां पे बड़ी आ की मात्रा है। परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी, अक्षा से यहाँ पे टूटा है तो छा में बड़ी मात्रा है। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, त्या से यहाँ पे टूटा है और यहाँ पर भी क्या है, बड़ी आ की मात्रा है। देवागमन, बड़ी आ की मात्रा है। धातु धन उष्मा, तू से ये अलग हुए हैं, ठीक है। तो धातु में देखो क्या है, यहाँ पे बड़ी आ की मात्रा है, धातु उष्मा। दयानंद, योगींद्र, बड़ी ई की मात्रा है। सचींद्र और लघुर्मी, तो हर जगह यहाँ पे बड़े आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ की मात्रा देखने को मिल रही है। यानी इन सभी शब्दों में क्या है, दीर्घ संधि है, क्योंकि ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ यानी बड़े स्वर है, दीर्घ स्वर, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं ना, तो ये सभी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आ रहे हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ओ। और जिन शब्दों में ये दीर्घ स्वर देखने को मिलते हैं वहां पर सामान्यतः क्या होता है, दीर्घ संधि कहलाती है। अब इनका विच्छेद कैसे हो रहा है, तो विच्छेद के लिए आपको सार्थक शब्दों में उसको बांटना है, सार्थक शब्दों में उसको तोड़ना है। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे सार्थक शब्द क्या बन रहा है, मतानुसार में अगर हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो मत धन अनुसार, मत का भी एक अर्थ है और अनुसार का भी एक
अर्थ है। ठीक है, अब इसको आप इस प्रकार से नहीं जोड़ सकते कि इसका आप इस प्रकार से विच्छेद तो नहीं करोगे ना कि जैसे मतानु धन सार, तो ना तो मतानु का कोई अर्थ है, मतानु का यहां पे कोई अर्थ ही नहीं है, तो इसलिए इसमें विच्छेद इसका नहीं हो सकता। उसी प्रकार से मैं यहां पे परमार्थ का इस प्रकार से सपोज मैं विच्छेद करूं परमा धन अर्था, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। तो यानी आपको जो विच्छेद करना है उसमें सार्थक शब्दों में, सामान्यतः सार्थक शब्दों में वो टूटेगा। ठीक है, तो परमार्थ में परम का एक अर्थ है और अर्थ का भी अपना एक अर्थ है, तो इस प्रकार से सार्थक शब्दों में विच्छेदित हो रहे हैं। और आपको तोड़ना कहां से है, अगर दीर्घ संधि में जहां पर बड़ी मात्रा होगी। अब यहां पे नो में तो ये छोटी की मात्रा यहां से नहीं तोड़ोगे, जहां पे दीर्घ संधि होगी वहां पर, जहां पे दीर्घ स्वर दिया गया है वहां से आपको विच्छेद करना है। जैसे देवागमन में, तो यहां पर क्या है, दीर्घ स्वर है, ये बड़ा आ स्वर है, तो इसको आपने तोड़ना है। तो दीर्घ स्वर कैसे टूटेगा फिर, ये कैसे बनेगा, देव धन आगमन, धातु उष्मा धातु धन उष्मा। अब यहां पे मेल के स्वर देखो, जैसे दयानंद में, तो दया का आ धन आनंद, तो ये क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। तो दो दीर्घ स्वर मिलेंगे या दो ह्रस्व स्वर, उनमें से आ ई ई आ ई ई उ ओ ये होने चाहिए। योगेंद्र में योगी धन इंद्र, बड़ी ई की मात्रा धन छोटी ई की मात्रा क्या बना रही है, बड़ी ई की ही मात्रा बनी रही। उसी प्रकार से सची, यहां पर भी बड़ी ई की मात्रा धन छोटी ई की मात्रा क्या बना रही है, बड़ी ई की मात्रा बना रही है। लघु में लघु यानी छोटा उ धन उर्मी उर्मी, तो ये क्या बना रहा है, बड़ी उ की मात्रा बना रही है, उर्मी उ धन उ बड़ा उ लघु धन उर्मी लघुर्मी, इस प्रकार से ये संधि हो रही है। तो दीर्घ संधि की पहचान आपको कैसे करनी है, ये अब देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको स्वयं बहुत सारे एग्जाम्पल अब सॉल्व करने पड़ेंगे। दीर्घ संधि की जितने ज्यादा एग्जाम्पल हो सके उनको देखें और फिर महसूस कीजिए कि क्या उसमें सही में ये ट्रिक बैठ रही है। बड़ी मात्रा होनी चाहिए, बड़ा आ बड़ी ई बड़ी उ, और यहाँ पे देखो ये सारे शब्द तो उसी प्रकार के हैं, इसमें क्या है, सभी में दीर्घ स्वर है, मतानुसार परमार्थ परीक्षार्थी सत्याग्रह देवागमन, तो बड़ी मात्रा है ना, बड़ा आ की या बड़ी ई की या बड़ी ओ की, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, दीर्घ संधि ही होगा। होंगे एक दो अपवाद लेकिन मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दीर्घ संधि से अब आपका कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार गुण संधि देखिए, जब आ या आ के बाद ह्रस्व यानी ई ऊ या दीर्घ बड़ी ई और बड़ी ऊ या री आए तो दोनों के मिलने पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। अब यहाँ पे देखो गुणा हो रहा है, वहां पर गुणा, गुणा का मतलब ये नहीं गुणा हो रहा है, वहां पर है तो संधि हो रही है, जोड़ी हो रहा है सबका, लेकिन मैं नाम को तब आप यहाँ पे क्या कर सके, नाम से आप इसको याद रख सकें और आपको सरलता हो। तो यहाँ पे देखो कैसा हो रहा है, आ और आ के साथ ई अथवा ई का जोड़ हो रहा है तो ए बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आ आ ई ई और उ उ उ और उ, और नीचे होते हैं ए आई ओ और औ। तो यहाँ पे देखो जब ये इसके साथ जुड़ रहे हैं, ई के साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, नीचे आ गया है। और उसी प्रकार से जब ये किसके साथ जुड़ते हैं, उ और ओ के साथ जुड़ते हैं, तो ओ बनता है। और जब ये री के साथ जुड़ते हैं, आ और आ री के साथ जुड़ते हैं, तो क्या बन रहा है, अर बनता है। यहाँ पे ये नहीं बन रहा है और ये नहीं बन रहा है, यानी ए बन रहा है, ये ओ बन रहा है और अर बन रहा है। तो एक तो अगर शब्द में क्या है, छोटा ए है, छोटी एक मात्रा है, जहां पे देखो जब हम लिखते हैं ना कोई भी शब्द और वहां पे अगर क्या है, इसके ऊपर कोई मात्रा है, तो ए की मात्रा किस प्रकार से होती है, एक बिंदु की मात्रा होती है, और आई की मात्रा कैसी होती है, डबल होती है, तो इसको हम बड़ी मात्रा कहते हैं, इसको हम छोटी मात्रा कहते हैं। उसी पर ओ की मात्रा देखेंगे तो ओ की एक सिंगल मात्रा होती है और औ की डबल मात्रा होती है। तो अगर छोटे ए की मात्रा और ओ की मात्रा होगी और अर होगा, तो वहां पर सदैव क्या होगा, गुण संधि होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा टाइप का हो रहा है, गुणा टाइप इस प्रकार से कि आ और आ ई जब मिल रही है, तो वो नीचे वाला जो हमारे क्या है, दूसरी श्रेणी में हम लिखते हैं स्वर ए आई से लेकर ओ औ अंग आ तक, तो नीचे वाला ए बन रहा है। उसी प्रकार आ और ऊ जब मिल रहा है, संधि हो रही है इनकी, तो ओ बन रहा है। अब यहाँ पे देखो नरेंद्र कैसे बन रहा है, नर
नर्म ना धन रा धन आ, नर्म आ है ना, क्योंकि देखो व्यंजन कैसे लिखते हैं, अगर हम रा को व्यंजन के रूप में लिखें तब इसके नीचे हलन लगाते हैं इस प्रकार से, लेकिन अगर ये सिर्फ रा है तो ये रा केवल व्यंजन रा नहीं है बल्कि ये है रा धन आ, क्योंकि रा के नीचे आ का उच्चारण है रा, ठीक है। यहां पे आप समझ गए, अगर हम का लिखें तो ये जो का है ये केवल व्यंजन नहीं है, ये क्या है व्यंजन के बाद क्या होता है आ का जो उच्चारण आ रहा है ये है का। अगर हम इसको सिर्फ व्यंजन में लिखें तो ये लिखेंगे ये का के नीचे क्या लग जाएगा इस प्रकार से लग जाएगा, और फिर जब ये इस पर आ जाएगा तब ये बन जाएगा का। तो इसलिए जब भी आप शब्दों को देखते हैं छोटे छोटे जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने जरूरी है, तभी आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो नरेंद्र में नर, तो इस प्रकार से ये बन के नर, धन इंद्र इंद्र, तो आ और ई का होगा यहाँ पे विच्छेद, और जब भी आ और ई का मेल होता है तो क्या बनता है ए बनता है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए ए, ठीक है छोटा ए, आई नहीं ए बनेगा यहाँ पे। तो नर धन आ धन ई का बन गया ए, तो नर का हो जाएगा नरे नरे, और ई यहाँ पे क्या है ई के ऊपर उपसर्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु लग जाएगा नरे और द्रा ये बन जाएगा। तो अब आप समझ गए कैसा बना। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, सभी एग्जाम्पल क्योंकि मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल समझाऊंगा, बाकी आपको स्वयं वो सभी देखने हैं, बड़ी इजी है। जैसे उमेश का मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, तो ये कैसे बना उमा, ऊ धन मा धन, और इसमें बड़ा आ है, बड़े जहां पे मात्रा होगी बड़ा आ की वहां पे बड़ा आ लिखना है, जहां पे मात्रा ना होगी यानी वहां पे क्या है छोटा आ है। और ईस धन, इसमें ई है धन सा धन आ। अब ये देखो कैसे बना, तो इसको तो आपको सीधे लिखना है ऊ धन म, अब आ धन ई, तो आ ये आ धन ई ए बना, तो यहां पे क्या बन जाएगा ए बन जाएगा धन सा धन आ। अब देखो ऊ माँ और माँ के साथ लगे ए, तो ये हो जाएगा उमे उमे, और बाद में सा और आ मिलके ये बन गया सा उमेश। तो मैंने यहां पे डिटेल्स में आपको समझा दिया। अब देखो जो ट्रिक है, ट्रिक कैसे काम आ रही है, यहाँ पे ए ओ और आर चाहिए, तो नरेंद्र नरे में देखो ए एक सिंगल मात्रा है ए की, परमेश्वर में भी ए है, उमेश में भी ए है, आई नहीं है ए है, तो जहां पे ए और ओ की मात्रा होगी वहां पर सदैव गुण संधि होगा उस शब्द में। मानवोचित में भी ओ की मात्रा है, देखो ची की ई की मात्रा भी है इसमें, लेकिन उसका विच्छेद कहां से हो रहा है। अब आप तो विच्छेद ऐसा नहीं करोगे कि मानवोची धनता, ये तो एक क्या है सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, आप करोगे मानव धन उचित। तो देखो मतलब वा से आप क्या कर रहे हो, विच्छेद कर रहे हो, वा को आपने लास्ट यहाँ पे वो रख दिया और यहाँ पे इसको आगे उचित, तो यहां से आप विच्छेद कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा है ओ की मात्रा है, जो मैंने ट्रिक आपको बता रखी है, गंगोदक ओ की मात्रा है, महोत्सव भी ओ की मात्रा है, परोपकार ओ की मात्रा है, दयोर्मी सप्तर्षि, यहाँ पे देखो अर आ गया है सप्त धन ऋषि, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा सप्तर्षि, इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आ और री जब जुड़ते हैं तो अर बनता है, उसी प्रकार देखो हाँ इसका भी मैं समझा देता हूं आपको, सप्त धन सप्त धन ऋषि, तो इस सप्त में क्या है ये कैसे लिखा गया है, सप्त धन आ धन ऋषि, तो आ और री का मिलाई क्या बना अर बना, तो ये पढ़ा जाएगा सप्तर्षि, सप्त धन अर धन सी सप्तर्षि, सप्त धन अर धन सी, तो सप्तर्षि इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से राजश्री राज धन ऋषि राजर्षि, देव धन ऋषि देवर्षि, तो जहां पे अर का उच्चारण मिलेगा ओ और ए की मात्रा होगी वहां पर क्या होगा गुण संधि होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि, तो यहां पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि किस में होगी वृद्धि मात्रा में होगी, अभी हमने पढ़ा ए और ओ और यहां पर होगा आई और आओ, तो जब आ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यदि आ और आ के बाद मिलकर ओ या औ आए दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। अब यहां पे देखो आ अथवा आ मिला, आ और आ के साथ जब ए अथवा ए का ए अथवा आई का क्या होगा संधि हुई तो आई बना, ठीक है, और आ अथवा आ के साथ जब ओ अथवा औ का
मेल हुआ तो औ बना। अब इसकी ट्रिक क्या है वर्ण संधि की, तो देखो गुण संधि में जो शब्द होने चाहिए उसमें कौन सी मात्रा होनी चाहिए, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और आर होना चाहिए, आर का उच्चारण। जबकि वृद्धि संधि में क्या होना चाहिए, आई की मात्रा और औ की मात्रा होनी चाहिए, यानी बड़ी मात्रा आई और औ की। अब पहचान करो आप, देखो सदैव में लोकेशन, धनेश्वर्य, मतैक्य, महोदर्य, माहेश्वर्य, जलौषधि और दंतोष्ट्य, सब में क्या है या तो आई की मात्रा है या औ की मात्रा है। इसमें आई की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा, इसमें भी ए की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है, औ इसमें ए की है, इसमें भी औ और इसमें भी औ की मात्रा। यानी इन सभी शब्दों में अगर पूछा जाए कि सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव में डायरेक्ट आपको करना है वृद्धि संधि। उसी प्रकार से लोकेशन या धनेश्वर्य या महोदर्य, लेकिन आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि आपको उसका विच्छेद करना आना चाहिए और उस मात्रा जहाँ जिस शब्द के पास उस मात्रा जिस शब्द में वो मात्रा लगी है क्या वहां से उसका विच्छेद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। अब ये जो आय बना, ये हम पता है कि जो ये मात्रा है यानी आय, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये किससे बनता है, ये बनता है आपका आ और ए से। ये बना आपका या तो छोटा हो आ होगा या बड़ा आ होगा, धन उसके साथ होगा ए। तो देखो अब इसको कैसे तोड़ना है सदैव को, तो सा दा, सद धन आ, सद में ये लगा पीछे, ठीक है आ धन ए धन वा, तो आ और ए, तभी तो ए बना। तो यानी जहां पर आ और ए का मिल होता है वहां पर क्या बनता है, वहां पर बनता है ए। और वहां पे कौन सी संधि जहां पर ए बनता है या ओ बनता है, आ और ए से मिलाकर ए बनता है और आ और ओ से मिलाकर औ बनता है, वहां पर क्या होती है वृद्धि संधि होती है। तो ये इसका तरीका है दोस्तों याद रखने का कि किस प्रकार आप वृद्धि संधि की पहचान कर पाओगे। उसी प्रकार देखो मतैक्य का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसका विच्छेद आपको कैसे करना है। आपने मत अलग लिख दिया, धन ये मत है, ठीक है धन। अब देखो यहां पर क्या है मतैक्य है और ए आपको पता है कैसे बनता है, तो मत जो है मत, अगर मैं देखो सीधे मत, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ता के नीचे हमने ये लगा दिया, तो यानी ता के पास भी क्या है एक आ है मत। मत जो ये जो ता है मत का ता, ये ता धन आ से मिलकर बना है, तो यहां पे एक आ है धन, यहां पे क्या है ए, क्या ए धन क्या, इसको मैं विच्छेद नहीं कर रहा हूं, इसको मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है तो आ और ए से मिलकर बना है ए, तो ये बन जाएगा मतैक्य। उसी बात महोदर्य है या माहेश्वर्य है, जलौषधि, दंतोष्ट्य। तो इसका तरीका ये है याद रखने का कि इसमें आपको जहां पर आई और औ की मात्रा होगी वहां पर क्या होगा सामान्यता वृद्धि संधि होगी। अब आपके दोस्तों प्रैक्टिस अपनी ओर से बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, और जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो फिर आपको वहां पर क्या हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब मैं यहाँ पे आपको वीडियो बता रहा हूँ वो आप एग्जाम में क्या कर पाओगे, वहां पे उसे उसी प्रकार से प्रश्न को अटेंड कर पाओगे और प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। संधि से संबंधित एमसीक्यू दोस्तों इसके नोट्स वाली पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे यण संधि, तो यदि ई ई उ उ और ये छोटी है ई बड़ी ई छोटा और बड़ा उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाता है और छोटा उ का वा हो जाता है तथा री का क्या हो जाता है रा हो जाता है, ठीक है यहाँ पे छोटी ई का हो जाएगा या, छोटा उ का हो जाएगा वा तथा री का हो जाएगा रा। यदि ई ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, ठीक है तो हमें से क्या हो जाएगा ई, ये ई भी यहाँ पे, ठीक है बड़ा ई यहाँ पे और यहाँ पे ई आपको बड़ा ऊ भी लिखना है। यदि ई ई ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, अब भिन्न स्वर मतलब कोई भी स्वर वहां पे आए तो हमेशा क्या हो जाएगा उसका छोटा ई और बड़ी ई का या होगा, छोटा ऊ और बड़े ऊ का क्या हो जाएगा वा होगा और री का हो जाएगा स्वर, री का हो जाएगा रा। ई अथवा ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो या हो जाता है, ऊ अथवा ऊ के बाद कोई भी स्वर आता है तो वा होता है और री अथवा
री के बाद कोई स्वर आता है तो रा हो जाता है। जैसे कैसे, अब देखो अति, अति में क्या है, आ त धन ई लगा हुआ है ना, तभी तो अति बना, आ धन त धन ई, अत धन ई अति बना। प्लस अधिक, आ धन अधिक। तो यहां पे देखो ई के बाद, यहां पे है ना कि ई के बाद कोई भी स्वर आए, ई अथवा ई के बाद कोई भी स्वर आए तो यहां पे आ स्वर आ गया, तो ई धन आ, ई क्या बनेगा, या बन जाएगा। तो अब फिर क्या बनेगा ये आ त, अब यहां पे या है तो ये ता कैसी आदता है, ये पूरा ता नहीं है, पूरा ता आपका बनेगा, ये जब ता के साथ आ लग जाएगा तभी क्या बनेगा, ता बन जाएगा। लेकिन अब इसके साथ या जुड़ रहा है तो ये बन जाएगा अत्या धन, ये धिक तो है ये हमारे पास धिक, क्योंकि ये ई और आ तो या बन गया, ता हमारे पास आदता पहले ही था, ठीक है, और यहां पर ये धिक जुड़ गया तो अत्यधिक, इस प्रकार से ये बन चुका है। अत्युक्ति भी उसी प्रकार से है, बाकी सारे उसी प्रकार से। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसका वा वाला, ठीक है, स्वागत। तो देखो सु साधन ओ, साधन ओ सु धन, ये तो मैंने जोड़ दिया साधन ओ सु धन आ धन गत। तो देखो उ धन आ, उ अथवा उ के बाद अगर कोई भी स्वर आए तो उ के बाद कोई स्वर आ गया, आ गया तो ये क्या बन जाएगा आपका, वा बन जाएगा। तो देखो सा तो आ था और वा इसका जुड़ गया धन, अब देखो उधन आ है ना तो ये बड़ा वा बनेगा, ठीक है, उधन छोटा आएगा तो वा बनेगा और उधन बड़ा आएगा तो वा बनेगा। उसी प्रकार से छोटी ई धन, अगर कोई स्वर, मतलब देखो स्वर जो अंत में स्वर है उसकी भी आपको पहचान रखनी है, अगर यहाँ पे उधन आ आए तो ये वा बनेगा, लेकिन अगर उधन बड़ा आ गया तो वा बनेगा। उसी प्रकार से अगर उधन ए आ गया तो वे बनेगा और उधन ए आ गया तो वे बनेगा। तो यहां पे क्या बना, बड़ा स्वा बना, स्वा और धन गलत है ये लास्ट वाला, इस प्रकार से ये स्वागत बना। अब इसकी पहचान कैसी करनी है आपको, तो जहां पर भी देखो यण संधि में एक तो या वा रा शब्द होंगे, ठीक, और या वा रा के पीछे आधा अक्षर होना चाहिए, क्योंकि देखो या और वा और रा बन रहा है ना, और या वा रा ये किसके साथ जुड़ रहे हैं, ये आधे अक्षर के साथ जुड़ेंगे, अत ये आ था, यहाँ पे जो सा था वो आ था, तो यहाँ पे देखो या के पीछे क्या है, आधा अक्षर या वर्ण होना चाहिए, या के पीछे यहाँ पे आधा ता है, यू के पीछे भी आधा ता है यहाँ पे, उसी प्रकार से यू के पीछे यहाँ पे आधा ना है, या के पीछे यहाँ पे आधा वा है, वा के पीछे यहाँ पे आधा धा है, वा के पीछे यहाँ पे आधा सा है, उसके बाद अविष्ट, ये अनविष्ट है, ठीक है, अनविष्ट अनु धन इष्ट अनविष्ट, तो वा के पीछे आधा ना लग गया यहाँ पे, अन्वेषण वा के पीछे आधा ना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, जहां पर भी या वा और रा के पीछे आधा अक्षर यानी आधा वर्ण होता है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको दिखा दिया है और इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं, तो वहां पर सदैव यण संधि होती है, तो या और वा और रा होंगे और इनके जस्ट पीछे, जस्ट इसमें लगे हैं सीधे, जैसे या पर क्या है, ये इस प्रकार से ता लगा होगा, वा पर ना लगा है या कुछ और लगा है, उसी प्रकार से पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, यहाँ पे त्र इसमें री है, ठीक है, तो यहाँ पे री धन आ, और यहाँ पे देखो री धन स्वर, स्वर यहाँ पे क्या है, आ है, तो ये क्या हो जाएगा, रा, तो इसलिए पितृनुमति हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां पर या वा और रा के पीछे आधा अक्षर या वर्ण आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। तो ये सारे शब्द मैंने आपको एग्जाम्पल वाइज बता दिए। अंतिम में यहाँ पे अयादि संधि, अब अयादि में देखो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, आ या, तीन वर्णों से मिलकर, आ या और दी, तो मैक्सिमम अयादि संधि का जो एग्जाम्पल है वो तीन वर्णों वाले ही होते हैं। अब देखो कैसे एग्जाम्पल यहां पर देख लो आप, सारे तीन वर्णों वाले होंगे, नयन, भावुक, नायक, पवन, ठीक है, ये सारे क्या है, तीन शब्दों वाले मैक्सिमम। लेकिन इसकी भी एक और ट्रिक भी है, अभी यदि ए ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ और औ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। देखो ए आई ओ औ का
मेल होना चाहिए दूसरे स्वर। अब दूसरे स्वर वो कोई भी हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन शुरुआत में होनी चाहिए इनसे। जब इनका मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का क्या बन जाता है, ए धन स्वर। ये लिखा है यहाँ पे, ए के साथ अगर स्वर मिलता है तो आय बनता है, आई के साथ अगर स्वर मिलता है तो आय बनता है, ओ के साथ मिलेगा कोई भी स्वर तो औ बनेगा, और औ के साथ मिलेगा कोई भी स्वर तो आव बनेगा। इसकी ट्रिक क्या है, तो एक तो तीन अक्षर का शब्द होता है सामान्यता, और उसमें किस प्रकार का उच्चारण आएगा, आया आव और आव का उच्चारण आएगा, आया आय आव और आव का उच्चारण आएगा, तो वहां पर हमेशा अयादी संधि होगी। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, अगर ये आपको बुक चाहिए जो आपका अधिशासी उत्तराखंड का एग्जाम है यूके पीएससी का, इसमें जो 100 नंबर की आपकी हिंदी पूछ जाएगी, तो कंप्लीट इसमें सिलेबस के संपूर्ण नोट्स है, इसमें इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, और इसमें संपूर्ण नोट्स हैं और प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू भी इसमें दिए गए हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक का। अब देखो अपने टॉपिक पे आते हैं, तो एक तो ये सारे तीन शब्दों तीन वर्णों वाले शब्द हैं, नयन नायक पवन पावक, और इनमें उच्चारण कैसे हो रहा है, नय यानी आया, आया धन आया, ठीक है आया, नायक यानी आया, पवन आव, आव का उच्चारण हो रहा है, पावक आव का उच्चारण हो रहा है, भावुक आव, नाविक यानी यहाँ पे भी आव का उच्चारण हो रहा है। तो जहां पर भी क्या होगा, आया आव और आव इस प्रकार से उच्चारण होगा, वहां पर आपको अयादि संधि करना है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी तो होना चाहिए कि वहां पर विच्छेद कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है विच्छेद, नयन, नयन का जो विच्छेद हो रहा है, अब यहाँ पे आय बन रहा है, और आय का बनता है जब ए और ए के साथ कोई भी स्वर जुड़ता है, तो ये नयन का विच्छेद आपको उसी प्रकार से करना है कि इसका बन रहा है आया, नया यानी आया, तो आया बनता है ए धन स्वर, तो यहाँ पे आपको लिखना है फिर ने धन स्वर, स्वर क्या होगा इसमें आ होगा, आया है ना आया, ने धन आ धन ना, तो ने धन आ धन ना, नयन ए धन स्वर आया बनाना, तो ने, अब यहां पे इसको और डिटेल्स लिखो, ना धन ए धन आ धन ना, तो ना धन ए और आ, ए धन आ, इसने क्या बनाया, आया बनाया, धन ना, तो ये बना ना, ना के साथ आ जुड़ गया, ना धन या धन ना, नयन। तो इस प्रकार से यहां पे क्या हो रही है, संधि बन रही है। तो ट्रिक आपको इस प्रकार से ये नोट करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों पांचों संधियों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है, प्रत्येक के मैंने एग्जाम्पल बताए, बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए और साथ में ट्रिक भी बताई। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ इसके एमसीक्यू उसमें दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।